नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इन दिस क्लास वी लर्न हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सो आप लोग रेडी हो? तो आइए इस हिंदी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम करेंगे। ओके जो बालक परिश्रम करते हैं वे सदा सफल होते हैं। मतलब इसे सीख लीजिए आप कि आपको भी सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो जो बालक द चिल्ड्रेन जो बच्चे या जो बालक क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। हु वर्क हार्ड, परिश्रम करते हैं, यानी कैसे परिश्रम करते हैं। वर्क तो करेंगे लेकिन उनको हार्ड वर्क करना है, कठिन परिश्रम करना है। वे सदा सफल होते हैं, वे मतलब वे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, सक्सीड। इस बात को याद रखो, रिमेंबर इट। इट मतलब इसको आप हमेशा याद रखो। क्या याद रखो, इस बात को याद रखो, यदि तुम परिश्रम करो तो अपने जीवन को महान बना सकते हो। तो इफ यू वर्क हार्ड बना सकते हो ना, यू कैन मैन कैन योर लाइफ योर लाइफ ग्रेट। हाँ, लाइफ ग्रेट, गुड। उसके बाद बना सकते हो, बना सकते हो ईश्वरचंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण, ईश्वरचंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर महान बन सके ना। हाँ, पास्ट कुड लगाएंगे, कुड बी ग्रेट है, ग्रेट ड्यू टू हार्ड यानी कठिन परिश्रम के कारण महान बन सके। आइए एक बार एक और इसको रिवीजन कर लेते हैं। जो बालक परिश्रम करते हैं, द चिल्ड्रेन हु वर्क हार्ड वी सदा सफल होते हैं, ऑलवेज सक्सीड। मतलब इन बच्चों की ही बात हो रही है, तो दे इसलिए नहीं लिखा गया कि दे ऑलवेज सक्सीड, मतलब वे बच्चे हमेशा क्या होते हैं, सफल होते हैं। इस बात को याद रखो, रिमेंबर इट, यदि तुम परिश्रम करो, इफ यू वर्क हार्ड तो अपना जीवन को महान बना सकते हो। तो कमा यहाँ पे लगा है, और यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कूड बी ग्रेट ड्यू टू हार्ड वर्क। हो गया इतना? ओके, थैंक यू वेरी मच।